आखिर क्यों हिंदू आर्मी आरएसएस को मात्र संगठन मानती है? क्या हिंदू आर्मी चीफ का आरएसएस से है गहरा नाता? आखिर क्यों अपने भाषणों में हिंदू आर्मी चीफ महंत योगी आदित्यनाथ को ईश्वरीय बताते हैं? बात तो यहाँ तक हो रही है कि हिंदू आर्मी योगी आदित्यनाथ के प्रेरणा से चलती है। हिंदू आर्मी का मानना है कि 5000 वर्षों बाद योगी मोदी का असुरों के विनाश हेतु अवतार हुआ है। आखिर एक सामान्य भाषण हिंदू राष्ट्र की मांग व जनसंख्या नियंत्रण की मांग जंतर मंतर से हिंदू आर्मी द्वारा की जाती है, तो ऐसी कौन सी बात AIMM प्रमुख ओवैसी को बुरी लगती है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जंतर मंतर के योद्धाओं की शिकायत करते हैं और अश्विनी उपाध्याय, प्रीत सिंह, पिंकी चौधरी, दीपक सिंह, हिंदू विनोद आज़ाद, उत्तम मलिक सहित हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। दरअसल हिंदू आर्मी के सारे वक्तव्य देखे जाएं तो सुशील तिवारी बार बार आरएसएस को मात्र संगठन व योगी मोदी को प्रेरणा बताते हैं। कहते हैं कि हिंदू आर्मी ईश्वरीय मोदी जी व योगी जी की प्रेरणा से चलती है। 8 अगस्त जंतर मंतर पर सैकड़ों हिंदू संगठन 5 कानूनों की मांग लेकर पहुंचे थे। पहला, जनसंख्या नियंत्रण कानून। दूसरा, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति। तीसरा, समान नागरिकता कानून। चौथा, समान शिक्षा। पांचवा, हिंदू राष्ट्र। तमाम रिसर्च के बाद हिंदू आर्मी चीफ के बयानों में ऐसा कोई भी वक्तव्य नहीं था जिसमें भड़काऊ भाषण हो, लेकिन फिर भी निर्दोष हिंदू नेताओं को गिरफ्तार किया गया और तिहाड़ जेल भेज दिया गया। बड़ी बात तो यह है कि राष्ट्रद्रोह, UAPA जैसे धाराओं में लिप्त जेल में बंद सरजील इमाम शाहीन बाग का कृत्य करने वाला, असम राज्य को अलग करने की मांग करने वाले जैसे अपराधियों के साथ 2 महीने से ज्यादा हिंदू नेता हिंदू आर्मी चीफ को तिहाड़ में रखा गया। हद तो तब हो गई जब सभी योद्धा जेल में थे तो बड़े बड़े स्वयं घोषित हिंदू चेहरे चुप थे, लेकिन सुदर्शन न्यूज सुरेश चौहान के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, हिंदू आर्मी संस्थापक सुनील त्रिपाठी वो भारत के कोने कोने में आवाज उठने के बाद कहीं जमानत हुई। राष्ट्रवादी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दिल्ली उच्च न्यायालय को कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग गलत है तो मैं भी हिंदू राष्ट्र की मांग करता हूं। तब जाकर एक एक हिंदू योद्धाओं को जमानत मिली। सवाल वही कि क्या भारत में जनसंख्या नियंत्रण नीति व हिंदू राष्ट्र की मांग करना असंवैधानिक है? क्या वैदिक शिक्षा का मांग गलत है? क्या गुरुकुल पद्धति गलत है? क्या हिंदू हितों के लिए मांग करना अपराध की श्रेणी में आता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन दबाना ना भूलें।